अगर आप उम्र 18 साल से कम है तो अपने पेरेंट्स का अकाउंट भी आप यहाँ पे लिंक कर सकते हो। तो पेपल अकाउंट कोई भी बना सकता है, ऐसा नहीं है कि आप 18 से कम है, 18 से ज्यादा है तो ही बना पाएंगे। जैसे हमारे पास यूपीआई होता है, आप क्रिएट करते हो, ऐसे यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर मेल कोड क्रिएट किया जाता है जिसके थ्रू आप अर्निंग लोगे किसी भी ऐप से, किसी भी वेबसाइट से। कैसे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल SBJ क्लासेस में। अक्सर मैं आपको ऑनलाइन अर्निंग के तरीके बताता रहता हूँ जिसमें हमें अर्निंग पेपाल में होती है। तो आपका एक क्वेश्चन आता है, सर पेपाल में अकाउंट कैसे बनाएं? तो लीजिए आपके सामने वीडियो हाजिर है। आज मैं आपको कंप्लीट स्क्रीन पर ले जाकर दिखाऊंगा कैसे आप पेपाल के अंदर 5 मिनट के अंदर अकाउंट्स बना सकते हो और अपने बैंक से लिंक कर सकते हो और पैसा पूरे वर्ल्ड से कहीं से भी अपने अकाउंट में ले सकते हो। और ऐसे ऑनलाइन तरीके भी आगे मैं आपको अपने चैनल पर बताऊंगा जिससे आप पेपाल से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और 2 मिनट के अंदर स्टार्ट करिए, 5 मिनट में अकाउंट बनाकर तैयार। तो चलिए बिना किसी देरी के स्क्रीन पर लेकर आपको चलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पेटीएम काम करता है, ऐसे अमेरिका में पेपाल काम करता है। तो ये लिए स्क्रीन पर आपको ले जाकर A to Z मैं स्टेप बाय स्टेप सारा समझाता हूँ। दोस्तों आ चुके हैं स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर पेपाल की ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप भी 5 मिनट के अंदर पेपाल पे अकाउंट बनाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखना, A to Z प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा अर्निंग के सोर्सेज हैं वो आपके ऑनलाइन भी वो सारे पेपाल से अर्निंग कराते हैं या फिर कुछ फ्रीलैंसिंग साइट जहाँ से आपको काम मिलता है। तो आप लोग डरते हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे सर अकाउंट में, हमारे पास तो पेपाल है ही नहीं। तो चलिए आज आपको पूरा A to Z समझा देते हैं। आपको आना है सीधा, इंटरफेस इस तरह का आपके सामने आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है साइन अप फॉर फ्री, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर अपना क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सीधा से 2 ऑप्शंस दिखेंगे, एक इंडिविजुअल अकाउंट्स का और एक बिजनेस अकाउंट्स का। अब यहाँ पे आप इंडिविजुअल अकाउंट्स पे जो क्लिक करते हैं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान ये होगा कि यहाँ पे केवल आप अमाउंट पे कर सकते हैं, रिसीव नहीं कर सकते। तो आपको जाना होगा बिजनेस अकाउंट पे, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं और ऊपर आप देख सकते हैं 100% फ्री है, कोई चार्जेस आपका नहीं लगेगा। यहाँ पे आप पेमेंट भी कर सकते हैं, सेलर अकाउंट अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो भी आप यहाँ पे इजीली अकाउंट बना लेंगे। तो नेक्स्ट पे हमें क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास दिखा आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है सिक्योरिटी चैलेंज के लिए। और उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, ईमेल आपसे यहाँ से मांगा जाएगा। तो मैं यहाँ पर ईमेल डाल देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर आपका ईमेल आईडी डाल दिया है। ईमेल डालने के बाद जस्ट यहाँ पे ईमेल का एक पासवर्ड आपसे क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा, जो आप कोई भी क्रिएट कर सकते हैं जो आपको सही लगे, ठीक है, इजीली आप यहाँ से पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर ही लिया है। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके बिजनेस का टाइप क्या है। दोस्तों तो यहाँ पे आपके बिजनेस का टाइप आपको ध्यान रखना है जो भी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आप जो अर्निंग करने वाले हो वो ऑनलाइन करने वाले हो, ठीक है, और आप अकेले करने वाले हो तो आपको कोई बिजनेस तो होगा नहीं, तो आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे एक चीज़ मांगेगा, वो है प्रोडक्ट और सर्विस कीवर्ड। अब यहाँ पे सर्विस कीवर्ड आपका क्या रहेगा, तो यहाँ पे सर्विस कीवर्ड के नाम पर आप जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, अगर आपको यहाँ पर मिल जाए कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम करता हूँ, लेट मी चेक, अगर आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि जैसे मैं ऑनलाइन करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग आ चुका है, देख सकते हैं डायरेक्ट मार्केटर आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शंस आएंगे, ये एक कोड होता है जो पर्पस कोड होता है, जैसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आप तो सर्विस दे रहे हो तो आपका कोड अलग होगा जो कि बिजनेस और मैनेजमेंट वाले में आएगा। थोड़ा सा नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल ही जाएगा, बिजनेस एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी 1006 करके आई, नोट कर लेना। और अब आपका यहाँ पर डलेगा पैन कार्ड, तो याद रखें पैन कार्ड आप प्रॉपर नोट करके रखिए पहले अपने पास, ठीक है, और इजीली आप यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ, ये पैन कार्ड नंबर है, हाइड हो रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा सिक्योरिटी इशू है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आपका नाम, तो नाम आप वो रखें जो आपका रियल अकाउंट्स में हो, ठीक है, उसमें कोई भी गड़बड़ी आपको नहीं करनी है। जो आपका नाम, जैसे कुछ लोगों के नाम, जैसे किसी का नाम रवि कुमार है, किसी का नाम रवि, खाली रवि बोल देते हैं लेकिन कुमार नहीं लिखते, तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो जिनका मैं अकाउंट बना रहा हूँ उनका कंप्लीट मेन नेम यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ठीक है, और ये गलती नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ कहीं से आपकी पेमेंट आएगी तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसी स्टेटमेंट नेम आपका यहाँ पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखो अब और नहीं ले रहा है, तो मैं यहाँ पर खाली ऋषभ लिख देता हूँ, ये सही रहेगा। अब यहाँ पे URL अगर आपका कोई है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपकी साइड डिटेल आएगी, जैसे आपका रियल नेम जो भी है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ,
मिड नेम अगर आपका कोई होता है, वैसे जैसे किसी का नाम है राहुल कुमार गुप्ता या राहुल कुमार सिंह, तो जो कुमार है वो मिडल नेम होता है, वो आपका यहाँ पर आएगा। चूँकि हमारा नाम नहीं है तो मैं यहाँ पे सिंपल सा अपना लास्ट नेम लिख देता हूँ। इंडिया हमने सेलेक्ट किया, डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ पर रियल निकली है, ये चीज़ का याद रखेंगे, डेट ऑफ बर्थ बहुत रियल होगी। और एड्रेस आपको वो डालना है जो आपके पास, अगर कोई कोरियर कोई प्रूफ के लिए कभी कुछ आना चाहे तो वो आपका आ जाए। तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी, ये देखिए, ओके, यहाँ पे आ गया डेट और यहाँ पे आ गया आपका मंथ, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं ईयर, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है, अब यहाँ पे आपको पिन कोड अपना डाल देना है अपनी सिटी का, पिन कोड के बाद यहाँ पे एड्रेस वगैरह आप डाल देंगे, देन उसके बाद यहाँ पे सिटी और यहाँ पे स्टेट। अब यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डलेगा, तो मोबाइल नंबर याद रखें वही डालना है जो आपका आपके बैंक से लिंक हो, ये चीज़ याद रखना। अब USD डॉलर आप यहाँ पे चाहो और कोई ऐसे USD डॉलर में हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन करने वाले हैं, तो आई एग्री पे मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया दोस्तों। अब इसके बाद जैसे ही आपका यहाँ पर ये वाला पोर्शन ख़त्म होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि आप किस किस चीज़ में डीलिंग करना चाहते हो, जैसे आप गुड्स में, सर्विस में, सेलिंग एट कोई भी। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप सभी को सेलेक्ट कर लो, क्योंकि इसमें आपका कोई खर्चा तो नहीं हो रहा है, तो कल को ज़रूरत पड़ भी सकती है आपको इंटरनेशनल ट्रेड करने लग गए, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है कि आप इनवॉइस एस्टीमेट किसी भी तरह का आप पेमेंट वगैरह वेबसाइट से लोगे, ऐप से लोगे, या कोई इनवॉइस आप भेजोगे, जैसे कुछ लोग फ़ौरन से कुछ मंगाते हैं या वहाँ पर सेल करते हैं, तो उसके लिए एक इंटीमेशन इनवॉइस बनती है, तो वो आप यहाँ से बना सकते हैं। कोई लिंक के जरिए आप लेना चाहते हो, तीनों को सेलेक्ट कर लें ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे आप सिंगल ट्रांजेक्शन करने वाले हो या रिकरिंग, मतलब बार बार वाली ट्रांजेक्शन, तो मैंने दोनों को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि आपको कोडिंग या एक केयर ऑफ इट, तो यहाँ पे भी आप दोनों सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ए प्री बिल्ड सॉल्यूशन दैट डजंट रिक्वायर कोडिंग, तो पहले सॉल्यूशन, और यहाँ पे डेवलपर टेक केयर ऑफ इट, तो मैंने पहले वाला ऑप्शन को सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने ये ऑप्शन आ चुका है, ठीक है जी, और ऑलमोस्ट आपका जो अकाउंट है लगभग बन चुका है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सेटअप वगैरह इंडिविजुअल करते हैं। अगर मैं स्टार्ट सेटअप पे जाऊँगा तो मैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे होम पे मैं पहुँच गया, तो ये देख सकते हैं आपका यहाँ पर अकाउंट्स लगभग बन चुका है। अब अभी हमने बैंक का अकाउंट को भी यहाँ से लिंक नहीं किया है, तो आप जो चाहो अपने बैंक अकाउंट, अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसे यहाँ से लिंक कर सकते हो। अगर आप उम्र 18 साल से कम है तो अपने पेरेंट्स का अकाउंट भी आप यहाँ पे लिंक कर सकते हो। तो पेपल अकाउंट कोई भी बना सकता है, ऐसा नहीं है कि आप 18 से कम है, 18 से ज़्यादा है तो ही बना पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जब हम नीचे आते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, वो है कन्फर्म ईमेल एड्रेस। सबसे पहले आप अपना ईमेल एड्रेस कन्फर्म ज़रूर से कर लें, जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। मैं सी डिटेल वाले ऑप्शन पर जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक ईमेल आपके सीधा गया है, और मेल आईडी पर अनकन्फर्म्ड है, तो हम उसे एडिट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर बस हमें करना क्या है, अपने मेल पर जाना है, और जो मेल आपके पास आया होगा उसको आपको क्लिक करना है और वेरीफाई करना है। देख सकते हैं पेपाल से एक मेल आया, उसको मैं यहाँ पे जाके गेट स्टार्ट पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे अपना पासवर्ड डालूँगा सिंपल सा, और अलाउ हो जाएगा। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड डाला, ओके जी, और यहाँ पे देखिए कन्फर्म ईमेल पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे जूम एकदम से अकाउंट आपका ओपन कपल ऑफ सेकेंड में हो गया दोस्तों, ठीक है। अभी आप पेमेंट वगैरह नहीं ले सकते, क्योंकि अभी आपने अपना कोई एक कोड नहीं बनाया, जैसे हमारे पास UPI होता है आप क्रिएट करते हो, ऐसे यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर मेल कोड क्रिएट किया जाता है, जिसके थ्रू आप अर्निंग लोगे किसी भी ऐप से, किसी भी वेबसाइट से। सबसे नीचे दोबारा से आ जाना है, और यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन पर कन्फर्म पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको अपने बैंक को यहाँ पर लिंक करना होगा, जिसके लिए आपको गेट स्टार्ट पर जाना है अगेन से। तो मैं यहाँ पे गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे गो टू वेरीफाई एड बैंक का ऑप्शन आ रहा है, गो टू वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके सामने देख सकते हैं, जो आप USD डॉलर में पेमेंट लोगे वो तो आपकी आई जाएगी। अब यहाँ पे नीचे आप अपना बैंक अकाउंट, और उसे नीचे आप अपना कार्ड चाहे तो अटैच कर सकते हो, और एक बैंक को भी आप मल्टीपल बैंक को भी यहाँ पे जोड़ सकते हो। मैं आपके सामने यहाँ पे बैंक को ऐड करता हूँ। जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे IFSC कोड मांगेगा, ठीक है, और आप बैंक लिंक वगैरह डाल सकते हैं। तो जैसे मैं IFSC कोड आपके सामने डाल रहा हूँ, यहाँ पर एंटर किया, ठीक है, और द इन्फॉर्मेशन यू एंटर इनकरेक्ट प्लीज़ चेक, ओके। अभी अकाउंट नंबर डालते हैं, अभी तो आधा अधूरा ही डाला है हमने। यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ आ चुका है।
अब यहाँ पे लिंक योर बैंक में जाता हूँ सीधा सा, और यहाँ पे आपका जो बैंक है वो लिंक हो जाएगा कपल ऑफ सेकंड में, ये देख सकते हैं। फिलहाल ये 1 पॉइंट समथिंग यानी कि लगभग 1.5 रुपये के आसपास आपके बैंक में क्रेडिट करेंगे वेरिफिकेशन के लिए। याद रखें ऊपर लिखा हुआ भी है एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो आपके डिपॉजिट की गई है जस्ट फॉर वेरिफिकेशन। तो अगर डिपॉजिट हो जाती है उनके पास से डेबिट हो जाती है तो यहाँ पर कन्फर्मिंग पेंडिंग आ रहा है कन्फर्मेशन, तो ये कन्फर्म हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से अपना देखो और बैंक भी लिंक कर सकते हो, आप यहाँ से अपना कार्ड भी लिंक कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई। अब आप जाते हैं, चलिए अगर मैं गेट पे एंड गेट पेड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं तो आप मेक पेमेंट, सेंड पेमेंट सब ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, पेमेंट मेथड वगैरह सब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अगर आप चाहो तो रिक्वेस्ट भी कर सकते हो यहाँ से। देखो मैं सेंड पेमेंट रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप किसी की पेमेंट रिक्वेस्ट भी चेक कर सकते हो, ठीक है। सेंड पेमेंट टू एनीवन, जिसको आप भेजना चाहे वो आप भेज सकते हो। मैं दोबारा से होम पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको एक वेरिफिकेशन के लिए अपना एक कोड बनाना होगा, पेपाल चेक, देखो सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इनवाइसिंग का ऑप्शन आपको दिख रहा है, अगर आपको इनवाइस बनाना चाहते हो तो वो कर सकते हो। रिक्वेस्ट पेमेंट का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। पेपाल मी पर आप जाओ तो यहाँ पे एक आपको लिंक तैयार करना होगा, क्रिएट पेपाल मी प्रोफाइल, तो ये बहुत ज़रूरी है और यही मेन है। इसी का यूज़ करोगे आप किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट से या किसी ऐप से पेपाल की अर्निंग लेने के लिए, वहाँ पे आपको यही डालना होगा प्रोफाइल। तो मैंने इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पे आपसे फ़ोटो मांग रहा है तो ऐड फोटो पर जाएंगे और अपनी फ़ोटो हम यहाँ पे अटैच कर देंगे और मैंने सेव कर दिया। तो जैसे ही मैंने सेव किया यहाँ पे आप जो चाहे लिखना चाहो वो लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया और ये कह रहे हैं नहीं आ रहा है, तो चलो कौन सा लें जो मुझे ईजी लगता है, ये वाला मुझे ईजी लग रहा है, तो ये बन गया paypal.me ऋषभ सैनी एन। मैंने इस पर क्लिक किया, आई एग्री पे क्लिक किया, एक्सेप्ट कर लिया। बस दोस्तों आपका यहाँ पर ऑलमोस्ट काम हो चुका है। अब मैं डन पे क्लिक करूँगा और आप देख सकते हो यही कोड मैं डालूंगा तो जो अकाउंट है वो आपका बन चुका है और इससे ही आपकी जो पेमेंट्स है वो अब आ जाएंगी और सीधे आपके बैंक में ऐड हो जाएंगी। तो बस इतना सही काम था। अब आप यहाँ पे जैसा है वैसे एक्टिव कर सकते हैं और यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लगता, कपल ऑफ सेकंड में फ्री में आपने यहाँ पर अकाउंट अपना क्रिएट कर लिया है। आपके सामने साइड डिटेल आपको दिख जाएगी, मैजिक सेंटर प्रोफाइल सेटिंग सब आप यहाँ पे देख सकते हो और जब चाहे आप लॉग आउट मारना चाहो वो भी यहाँ पे कर सकते हो। तो मेरी वीडियो में आज के लिए इतना ही था, आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे पेपाल पे अकाउंट बनाया जाता है। अगर आपको भी बनाना है तो 5 मिनट के जाके बना सकते हैं, अप्लाई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। बाकी वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करना और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।